प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारत और जापान की मित्रता की एक सबसे बड़ी मिसाल जल्द देखने को मिलेगी। यह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के रूप में है जिसका निर्माण इन दिनों तेजी से चल रहा है। हम इस वक्त उसी कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से काम में तेजी है। और 15 दिसंबर की इस कन्वेंशन सेंटर की डेडलाइन थी पूरा करने की, क्योंकि माना जा रहा है कि जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस कन्वेंशन सेंटर की जो रूपरेखा तैयार होने के बाद इसका उद्घाटन करेंगे। और हम आपको बता दें 186 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस कन्वेंशन सेंटर में अब भी लगभग 2 महीने से ज़्यादा का वक्त लगने की बात बताई जा रही है, जो निर्धारित डेडलाइन से ज़्यादा है। हालांकि अधिकारी लगातार इस बारे में यह विश्वास दिला रहे हैं कि डेडलाइन के बाद कुछ एक्सटेंड इसलिए करने की स्थिति आई है क्योंकि कोरोना काल में काम कुछ दिनों के लिए बंद हुआ था, जिसके बाद इसमें जो डेडलाइन है उसे बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। ये एक भारत और जापान के सहयोग से बहुत बड़ा कन्वेंशन हॉल यहाँ वाराणसी में बन रहा है। इसका नाम रुद्राक्ष है। इसका जनरली मंथली परीक्षण किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इसका विजिट किया गया था। इसमें थोड़ा कोरोना की वजह से जो डिले हुआ है उसी डिले को कैसे जल्दी से मेकअप किया जाए और कितनी जल्दी इसका काम कराया जाए उसी की आज समीक्षा की गई है। कुछ कार्य हैं जो लगभग पूरे होने को आ गए हैं। कुछ इसके अंदर फर्निशिंग होनी है, कारपेट और कुर्सियों का कार्य होना है, वो कार्य अभी 15-20 दिन के बाद शुरू होगा। कुल मिला के अभी भी 2 महीने करीब इस प्रोजेक्ट में लगेंगे, परंतु तेज़ी से ये कार्य हो इसके लिए CPWD को और कंस्ट्रक्शन एजेंसी फुजीता है इनको निर्देश दिए गए हैं। फिर 15-20 दिन के बाद इसका दोबारा परीक्षण किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट्स हैं वो भी भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को भेजी जा रही हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरा हो और जल्दी जल्दी इसका उद्घाटन हो ताकि शहरवासियों को इसका लाभ मिल सके। इस बारे में अभी पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे थे तो उन्होंने भी बनारस में आके कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया था और काम समय से पूरा करने की हिदायत भी दी थी, लेकिन कोरोना काल में लगभग 1 महीने काम पिछड़ने की वजह से काम समय से पूरा नहीं हो पाया है। और अब भी अंदर जो सिटिंग कैपेसिटी है, कुर्सियां हैं या फिर जो फाइनल टच है वह काफ़ी हद तक बचा है। इसलिए अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि 2 महीने का वक्त अभी और लग सकता है इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में, यानी जनवरी तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री के हाथों 186 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस भव्य कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। और इस कन्वेंशन सेंटर के तैयार होने के बाद बनारस में जापान और भारत की मित्रता का सबसे बड़ा सबूत आपको दिखाई देगा। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ETV भारत।